सदर कोतवाली थाने में फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर धोखाधड़ी का मामला आया सामने। न्यायालय से मिले 156 के इस्तगासे के जरिए दर्ज हुआ मुकदमा। सदर कोतवाली थाने में शुक्रवार को न्यायालय से प्राप्त 156 के इस्तगासे पर केकड़ी निवासी इकराम, हसीना, शौकत और अनवर के खिलाफ 2.5 लाख रुपए का लोन लेकर धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज किया गया। सदर कोतवाली थाने के ASI ने बताया कि वर्ष 2022 में चारों आरोपियों ने लोडिंग टेम्पो वेद फाइनेंस कंपनी पावर हाउस के सामने जयपुर रोड से फाइनेंस कराया था। 2.5 लाख रुपए का फाइनेंस कराने के बाद आरोपियों ने लोडिंग टेम्पो को खुर्दबूद कर दिया और लोन भी नहीं चुकाया, जिस पर IPC की धारा 420, 406 और 120 बी में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दिनांक को न्यायालय श्रीमान से इसका सहायता 156 का कि वेद फाइनेंस कंपनी वालों ने जो अपने पावर हाउस के सामने जयपुर रोड पर उन्होंने दर्ज कराया कि एक लोडिंग पिकअप के नाम से ये गेगल के रहने वाले हैं इकराम, हसीना और शौकत और अनवर। इन्होंने करीबन 2.5 लाख रुपये का लोन लिया और कंपनी को लोन नहीं चुकाया और वाहन को खुर्दबूद कर दिया। कौन सी गाड़ी? गाड़ी लोडिंग पिकअप। करीबन 2.5 लाख का करीबन था। कौन सी एजेंसी? ये वेद फाइनेंस कंपनी से। बता कितना टाइम हुआ? कितना टाइम हुआ मुकदमा? कल दिनांक दर्ज हुआ है। गाड़ी को तो ये करीबन है, ये 22 का मामला है, 2022 का। हाँ, किन नामों में मुकदमा? 420, 406, 120 बी।